हेलो एवरीवन, आज है 7 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में पिछले कुछ दिन से बहुत बड़ी गिरावट चल रही है, क्योंकि भैया खबर आ रही है कि एक बहुत बड़ी बिकवाली होने वाली है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी शेयर्स की बेची जाएगी हिंदुस्तान यूनिलीवर में। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए, जिन्होंने खरीदा है उनको क्या करना चाहिए, और जिन्होंने नहीं खरीदा, जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते उनको क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करें। उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर 1985 रुपए के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, और एक हल्की सी गिरावट आज भी देखने को जरूर मिली है। इवन इवन जब आज मार्केट ओपन हुआ था तब 1900 रुपए तक शेयर टूट गया था, 1902 रुपए तक टूट गया था शेयर, लेकिन बाद में इसने बाउंस बैक किया। क्योंकि देखो, यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ पर समझनी है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में भले इतनी बड़ी बिकवाली हो रही है, लेकिन कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर गिरावट आती भी है तो खरीदारी करने का ये बढ़िया मौका भी हो सकता है। मैंने कल भी वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि अगर गिरावट आती है तो आप खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर गिरावट आती है तो खरीदारी कर सकते, लेकिन किस तरीके से, उसके बारे में हम बात करें। उससे पहले हम पिछले 1 महीने का उसका डेटा अगर हम देखें तो आप देखिए शेयर कंटिन्यूअसली डाउन है। 2490 रुपए के आसपास का हाई यहाँ पे बना था, उसके बाद शेयर कंटिन्यूअस गिर रहा है, कंटिन्यूअस शेयर गिर रहा है। यहाँ पर 18 से 19% की गिरावट देख चुका है ये शेयर। एक साल में हिंदुस्तान यूनिलीवर में 17% का ही ग्रोथ है, एक बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे वो जो ग्रोथ है वो कम होता आ रहा है। 1670 रुपए तक का लो था, बाद में तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई। अब देखिए, बहुत बड़ी गिरावट इससे पहले भी आ चुकी है, फिर तेजी आई, इवन कोरोना के वक्त भी शेयर में बहुत बड़ी गिरावट आई, लेकिन इसने बाउंस बैक कर लिया। क्योंकि भैया खबरें आ रही थी कि शेयर अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, इवन इनकी जो डील्स भी हुई है हम कह सकते हैं हॉर्लिक्स के साथ, तो उससे भी एक बहुत बड़ी एक जंप इसको जरूर मिला था यहाँ पर। लेकिन अभी उन्हीं हॉर्लिक्स वालों ने इसके शेयर्स को बेचने के लिए निकाला है, और बहुत बड़ी क्वांटिटी वो लोग बेच रहे हैं, और इसकी वजह से शेयर्स में अभी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 3 साल की बात करें तो 3 साल में हिंदुस्तान यूनिलीवर में 107-108% का ग्रोथ है, 950 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड हुआ। अब देखिए चार्ट ऊपर जाता हुआ चार्ट है। 10 साल की भी अगर मैं बात कर लूँ तो 10 साल में भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो चार्ट है वो ऊपर ही ऊपर दौड़ रहा है। देखिए, 230-240 रुपए के ऊपर 2010 में ये शेयर ट्रेड कर रहा था, अब परफॉर्मेंस देखिए ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ऊपर ही ऊपर, पैसा 10 गुना कर दिया है, 10 गुना पैसा इसने करके दिया है आपको, वो भी 10 साल के कम वक्त में 10 गुना पैसा आपका किया है। अब देखिए ऊपर ही ऊपर ये शेयर दौड़ रहा है, और ट्रस्टेबल कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ऐसी प्रोडक्ट बनाती है जो आप लोग अपनी हर रोज दिन यूज करते हैं, अपनी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप इनकी प्रोडक्ट को यूज करते ही करते हैं। गिरावट की वजह ये थी कि भैया एचयूएल के शेयर में गिरावट है, क्योंकि जीएसके और हॉर्लिक्स जो है वो यहाँ पर अपनी जो हिस्सेदारी है एचयूएल में उसको बेचने वाले हैं, और कोई छोटी मोटी हिस्सेदारी नहीं है, बहुत बड़ी हिस्सेदारी है इन दोनों की। और वो हिस्सेदारी अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन 26,000 करोड़ रुपए तक का वो लोग एस्टिमेट निकाल चुके हैं कि भैया इतने तक का पैसा आएगा। तकरीबन 5.67% की जो होल्डिंग्स है उसको ये लोग बेच, 5.69% की होल्डिंग। आ देखिए, ब्रिटिश ड्रग मेकर ग्लैक्सो स्मिथ क्लिन एंड हॉर्लिक्स लिमिटेड प्लान टू सेल 5.69% स्टेक इन एचयूएल वाया ब्लॉक डील। अब किस प्राइस पर ये लोग बेच रहे हैं, 1850 रुपए से लेकर 1950 रुपए पर शेयर के दाम पर ये लोग बेचने का प्लान कर रहे हैं। और देखिए, जीएसके इज एक्सपेक्टेड टू सेल द स्टेक ऑन May 7। तो देखिए आज इतनी बड़ी बिकवाली होने वाली है, और एस्टिमेटेड सेटलमेंट डेट फॉर द ट्रांजेक्शन विल बी May 11। तो देखिए आज बेचेंगे, लेकिन जो सेटलमेंट होगा एस्टिमेट होगा वो 11 मई तक इन यहाँ पर आ जाएगा। तो एक बहुत बड़ी बिकवाली हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दबाव अभी एक्चुअल के शेयर पर आ रहा है, और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा दबाव है, तो शेयर में गिरावट आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गिरावट नहीं आएगी और शेयर यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा, जी नहीं, शेयर जरूर गिरेगा। जैसे आप देख रहे हो पिछले 1 महीने का शेयर गिरेगा, लेकिन आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ऐसे स्टॉक में खरीदारी करने की,
जो सबसे ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है और पता है कि भैया बाउंस बैक कर लेगा। क्योंकि आप इनकी प्रोडक्ट्स को ये देखो तो आप देखें, ये इनकी वेबसाइट्स है हिंदुस्तान यूनिलीवर्स की, और इनकी एक से एक बड़ी प्रोडक्ट्स। अगर इनके जो ब्रांड्स पे अगर मैं आपको ले जाऊं तो आप समझ सकते हैं कि भैया कितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं और कितनी जगह पे ये लोग काम करते हैं। बूस्ट ये इन्हीं की प्रोडक्ट है, कंफर्ट, क्लिफ, कोर्नेटो, डव, हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स की कई सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगी, वो भी अब इन्हीं के अंडर में। नॉरसूप आपने हमेशा सुना होगा, लाइफ बॉय, लिप्टन ग्रीन टी, उसके साथ साथ लक्स, लक्स ये भी इन्हीं का है भैया, मैग्नम, हॉर्लिक्स, पेप्सोडेंट। देखो भैया ब्रश करना तो छोड़ेंगे नहीं, और ना ही कपड़े धोना छोड़ेंगे, ना ही नहाना छोड़ेंगे, और ना ही चाय पीना छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्हीं की है। पॉन्ड्स भी देखो, सनसिल्क देखो, श्योर देखो, ट्रेसेमे देखो, शैम्पू करना नहीं छोड़ेंगे। इवन आप देखिए व्हील्स, व्हील यहाँ पर है, और तो और ब्रू, उसके साथ साथ क्लोजअप, डोमेक्स, फेयर एंड लवली, लैक्मे, सर्फ एक्सल, रीन, पियर्स, एक से एक बढ़िया क्वालिटी की प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगी। विम, उसके साथ साथ भैया चाय की आप देख लो, चाहे ब्रुकबॉन्ड में आप रेड लेबल लो, या फिर ब्रुकबॉन्ड ताजा लो, थ्री रोजेस लो, या फिर ताजमहल ले लो। उसके साथ 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 क्लिनिक प्लस आप देख लो, किसान का, टोमेटो का, जब इंदुलेखा, क्वालिटी वॉल्स, रेक्सेनो, लेरिल, एक से एक बढ़कर ब्रांड आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर में मिल जाएंगी, एक से एक ब्रांड आपको मिल जाएंगी। अभी कुछ चीजें यहाँ पर नहीं है क्योंकि अभी भी कुछ मर्जर होना बाकी है। अगर हम बात करें तो हॉर्लिक्स और उन सब की एक दो तीन कंपनियां और भी है, उनके साथ भी कुछ प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर आने वाले दिनों में मिल जाएंगी, जैसे कि ग्लैसो फाइव्स है, और तो और कई सारी है प्रोडक्ट, वो भी आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक है, तकरीबन 4,60,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखेंगे तो 17-18 करोड़, भैया बहुत बड़ी वॉल्यूम ट्रेड होती है। और रीजन ये है कि भैया जो उन्होंने ही बेचने के लिए निकाली है, हॉर्लिक्स नहीं निकाली है बेचने के लिए, इसीलिए इतनी बड़ी क्वांटिटी आपको एनएसई में दिखाई दे रही है, 18 करोड़। और अभी वक्त हुआ है दोपहर के 1:40 हुई है, जैसे जैसे मार्केट क्लोज होगा ये जो नंबर्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़े हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। और तो और आप देखिए शेयर होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो एफआईएस ने होल्डिंग गिराई है, म्यूचुअल फंड ने गिराई है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी गिराई है। 12.04% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 2.58% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 3.28% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 19.73% की होल्डिंग है। प्रमोटर की बात करें तो प्रभु प्रमोटर यहाँ पर है यूनिलीवर पीएलसी, जिनके पास 47.43% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 354 म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है, 1,265 एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शोल्डर की बात करें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर है, जिनके पास 1.35% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.02% की देखने को मिल रही है। एक 1,100% के आसपास का डिविडेंड पे करें, मतलब पर शेयर 11 रुपए का डिविडेंड भी ये पे कर रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो भैया आप देख सकते हैं कि टेक्निकल रेटिंग अभी थोड़ी सी कमजोर इनकी दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटीज बिकने के लिए आ चुकी है और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑलरेडी पड़ रहा है। पीई की बात करें तो 69.67 का पीई है, इंडस्ट्री पीई 57.60 का है, बुक वैल्यू 34 के आसपास की है, प्राइस टू बुक वैल्यू 58 के आसपास की है, ईपीएस 28 के आसपास देखने को मिल रहा है, डिलीवरी 34-35 की है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 68% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 27% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करने भी जाए तो देखिए बहुत बड़ी एक ब्रोक यहाँ पर स्टेक बेची जा रही है, और अगर हम काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेस का अगर हम यहाँ पर देख ले तो उनकी राइज भी, उनका जो राय है वो भी कुछ इस तरीके से ही होगा कि भैया आप यहाँ पर खरीदारी करें या फिर ना। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लोबल ब्रोकरेजेस आर हावर ऑप्टिमिस्टिक, क्रेडिट सूस की अगर हम बात करें तो उन्होंने इसको आउट परफॉर्म का कॉल दिया है, टारगेट प्राइस रखा है 2,400 रुपए, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सीएनबीसी टीवी18 को उन्होंने ये बताया है, और इवन एचएसबीसी काफी रेप्यूटेड ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने यहाँ पर बाइंग रेटिंग दी है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, और जो टारगेट प्राइस है उसको यहाँ पर रेज किया है, जो पहले 2,350 रुपए था अब उसको 2,650 रुपए कर दिया गया है। तो डेफिनेटली काफी सारे ब्रोकरेज हाउस यहाँ पर पॉजिटिव भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि काफी फंडामेंटली स्ट्रांग ये शेयर भी है, और जरूर शेयर में शॉर्ट टर्म की गिरावट आई है, और मुझे लगता है कि खरीदारी करने का एक बेस्ट ऑप्शन भी है, क्योंकि कंपनी के ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं है। आपको आपको देख सकते हैं जीरो डेट वाली कंपनी है, 1 रुपए का भी कर्जा हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर नहीं है। तो
कंपनी हर क्वार्टर में बढ़िया मुनाफा भी कमा रही है। मार्च क्वार्टर में 1520 करोड़ का मुनाफा कमाया है। भले जून में थोड़ा सा कम होगा इनका मुनाफा, लेकिन बाकी कंपनियों से तो बेहतर ही होगा। दिसंबर में 1616 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में 1850 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में 1750 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च में 1540 करोड़ का प्रॉफिट था। तो हर क्वार्टर में बड़े प्रॉफिट्स यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहे हैं और ये काफी अच्छी चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात कि भैया खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, तो मैं अगेन कह रहा हूँ, खरीदारी की है और लॉस में है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप पेशेंस रखिए, याद रखिए, एक साल बाद ये शेयर आपको कभी भी इस प्राइस के ऊपर कभी नहीं मिलेगा। ये आपको इसी तरीके से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा जैसे पिछले 10 साल में ये ऊपर गया है। आपको ये ऊपर ही ऊपर दौड़ता देखने को मिलेगा। थोड़ी गिरावट शॉर्ट टर्म के लिए आई जरूर है, लेकिन शेयर रिकवर बहुत जल्दी कर लेगा। लेकिन एक चीज है, बॉटम कहाँ बनेगा ये कहना मुश्किल है। हो सकता है कि 1900 रुपये तक का भी बॉटम बॉटम बने, और हो सकता है कि 1800 रुपये तक का भी बॉटम बने, और ये भी हो सकता है कि 1950 रुपये तक पहुंचने के बाद यहाँ से शेयर बाउंस बैक भी कर ले और वापस कभी पहुंचे भी ना। तो देखिए बॉटम कहाँ बनेगा ये कहना मुश्किल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यही कर सकते हैं कि SIP मोड में खरीदारी करें। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि देखिए अभी का जो वक्त है, आपको एक साथ सारे के सारे शेयर्स नहीं खरीदने हैं, आपको छोटी क्वांटिटी ही खरीदनी है। पहले छोटी क्वांटिटी, जैसे कि अगर आपको 10 शेयर खरीदने हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में, तो पहले 2 शेयर खरीदिए। जैसे कि 1900 के लेवल पर 2 शेयर खरीदिए आप, बाद में वेट करें। अगर शेयर नीचे जाता है तो और 2 शेयर खरीद सकते हैं 1850 रुपये में, फिर वेट करें 1800 में और 2 शेयर खरीदिए, फिर वेट करें 1700 में और शेयर खरीदिए। क्योंकि देखिए ग्राफ आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। आप देखिए इससे पहले भी शेयर 1900 रुपये के ऊपर था, तेजी आई ऊपर चला गया 2290 रुपये के ऊपर, फिर गिरावट आई 1836 रुपये तक टूट गया, फिर वापस तेजी आई और शेयर चला गया 2490 रुपये के ऊपर, अभी वापस गिरावट आई, शेयर आया 1975 रुपये के ऊपर। तो आप ये मान के चले कि थोड़ी बहुत तेजी आएगी तो गिरावट भी कुछ वक्त के लिए आएगी। तो ये अभी भी अगर आप चाहे तो 2 शेयर खरीद सकते हैं। अगर आपको 10 शेयर खरीदने, 2 शेयर खरीदिए, फिर आराम से बैठे रहिए 900 रुपये, 1900 रुपये तक जाए तो और 2 शेयर खरीदिए, फिर आराम से वेट करें, फिर नीचे जाए तो फिर शेयर खरीदिए। क्योंकि भैया लॉन्ग टर्म में ये रिकवर कर लेगा, लॉन्ग टर्म में रिकवर कर लेगा और जरूर शेयर बढ़िया परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ये मौका है, ये जो गिरावट आई है ना, ये मौका है यहाँ पर खरीदारी करने का। और मुझे लगता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर भी है तो रिकवर भी जल्दी कर लेना चाहिए ये शेयर। तो बाकी मर्जी आपकी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में खरीदारी करनी है कि नहीं उसका डिसीजन आप ही का होना चाहिए। और खरीदारी करने से पहले आप अपने एक्सपर्ट एडवाइस से भी सलाह ले सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।